हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, दूसरा चैनल स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी का आई लिंक में पता नहीं कौन सी साइड आई बटन आएगा, उसमें लिंक दे दूंगा। उसके ऊपर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ फोन्स की, ठीक है फ्रेंड्स। बैकग्राउंड में शोर है, उसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज मैं एक वीडियो पे प्रयोग करने वाला हूँ जिसमें आपको ब्रीथिंग में बताने वाला हूँ, आप सेम टू सेम मेरे साथ करोगे, ठीक है। तो आज इसी के बारे में सारी बात करनी है। और उससे पहले मैं जो मुझे कमेंट आ रहे थे उनका रिप्लाई दे देता हूँ इसी वीडियो में। दो कमेंट का खासकर मैं रिप्लाई करूँगा कि अंडर वाटर में सांस नहीं छोड़ सकते, बल्कि सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी आप ब्रीथ छोड़ोगे उसके बाद आपको बाहर आना पड़ेगा, और इसीलिए आप पानी के अंदर सांस छोड़ के नहीं ले सकते, क्योंकि अंडरवाटर का मतलब है कि आपने पानी के अंदर ही स्विमिंग करनी है, बाहर नहीं आना। तो उसमें एक बार में ही जितनी दूरी तय कर सकते हो करो, और उसके बाद अगर आपका जैसे सपोज करो आपने काफ़ी दूर चले गए, आपको सांस बहुत ज़्यादा रोक लिया, तो उसको पानी के अंदर धीरे धीरे छोड़ दो और आगे तक दूर करो, फिर सांस लेने के लिए आपको बाहर ही आना पड़ेगा। तो ये था मेरा उस कमेंट का जवाब कि आप पानी के ब्रीथिंग के अंदर अंडर वाटर के अंदर सांस नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरी बात कि मुझे कमेंट आया था कि भाई ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है और उसका सलूशन तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अब चाहूँगा परली बैक की साइड में, जहाँ आपको शोर नहीं मिलेगा, तो चलो स्टार्ट करें। उससे पहले एक चीज़ और बोल दूँ, अगर आपको स्विमिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप लिंक है व्हाट्सअप का, उसको ज्वाइन कर लो और उसके ऊपर मेरे से बात कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेम मुझे फॉलो करना है, आप एक किस्म का कैमरा आप हो गए और मैं हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हाथ कर लो ऐसे और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी है। सेम करना क्या है, बाहर आके हमने करना, मुंह से सांस अंदर खींचनी है, नीचे जाके हमने नाक से छोड़नी है। ये चीज़ आप घर में बैठे बैठे भी करोगे तो आपको पानी का थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ अभी ये पानी, नीचे वाला पानी का लेवल है, ऊपर वाला आपने बाहर वाला लेवल है। मतलब कि सपोज करो कि जो जो मैंने हाथ रखा हुआ है इससे नीचे यहाँ यही पानी स्टार्ट हो जाता है, नीचे पानी है, ऊपर हमारा फेस बाहर है, ठीक है। करना क्या है, हमने मुंह से बाहर आके सांस लेनी है और नीचे जाके नाक से थ्रो करनी है, ठीक है। यही हमने 10 बार करना है, ठीक है। काउंटिंग मैं नहीं करूँगा, काउंटिंग आप करना, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितनी बार करूँगा, ठीक है। कैसे करना है, शायद आपको सांस की बात सुन रही है या नहीं सुन रही, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। 1 2 3 स्टार्ट। ये चीज़ कंटिन्यू करनी है अपने बाहर, जब ये चीज़ बाहर प्रैक्टिस करोगे यही चीज़ आपने पानी में जाके करनी है, पानी में भी जाके करेंगे। तो चलो अब चलते हैं पानी में। और एक चीज़ और बोल दूँ, पानी में भी सेम अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी साउंड मैं बाद में दूंगा, और चलो पानी में चलते हैं। फ्रेंड्स पानी में जाने के लिए तैयार, मेरा कैमरा भी तैयार पानी में जाने के लिए, तो चलो पानी में चले। ये है मेरा मैक, करना क्या है, नाक से छोड़ना, मुँह से लेना, ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो चलो अप्लाई करें, इससे क्या होगा, इससे आपको ब्रीथिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलो अब कैमरे वाले शूट देखेंगे और क्या कहते हैं इसके भी शूट दिखाऊंगा मैं लास्ट में, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स पानी में अभी जाने से पहले मैं सॉरी मांग लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है और मैं वीडियो शॉपिंग कर रहा हूँ एडिटिंग, तो मैंने सोचा टाइम टू टाइम आपको शोर दे दूँ। ये मैं जब बोल रहा था कि तब मेरा दूसरा कैमरा भी ऑन हो रहा है, दोनों कैमरे चल रहे हैं, इसकी वीडियो मैं लास्ट में दिखा दूँगा, इसके बाद आपको उसी की वीडियो दिखाऊँगा। आई होप कि इसमें आपको ब्रीथिंग करनी आ जाए और आपको मेरे साथ करनी है सेम। अगर आप पानी में नहीं हो, पानी में तो वैसे होंगे नहीं, बाहर भी आप किसी की चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कर दिया, पानी लग रहा है, साफ सुथरा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपने बाहर से हवा ले लेनी है, बाहर से मुंह से सांस लेना है और पानी में जाके नाक में से छोड़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 नाक से छोड़ना है, मुँह से लेना है, 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 ठीक है। कैसे करना है, बल्कि बाहर छोड़ते ही आना है, अगर आप बीच में छोड़ते बंद करके भी आ सकते हो, ये मैं चेक कर सकते हो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बहुत आसान है, मुझे काफ़ी कमेंट आते थे तो मैंने सोचा एक बार इसको कमेंट में रिकवर कर दिया, ठीक है। इसमें अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपको ब्रीथिंग करनी आ जाएगी, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहला वाला स्टेप यही रहता है ब्रीथिंग का, अगर ये चीज़ आती है तो डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक टिप्स और दे देता हूँ, जब पानी में जाते हो तो आप फेस को फुला के हवा रोक सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। ये फ्रेंड मुँह से नहीं छोड़ना, नाक से छोड़ना है, एक बार साइड से भी देता हूँ, मुँह से नहीं छोड़ना, नाक से छोड़ना है, ताकि आपको सांस की एक रिदम बन जाए,
इससे क्या होता है, तेज भी नहीं छोड़ना, आराम से होना, जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं ऐसे ही, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि अब ये चीज़ मैं आपको जैसे फ्री स्टाइल में करते हैं, ये मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा और सांस छोड़ के बाहर मुँह करके सांस लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सुंदर है, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो फ्री स्टाइल करते हुए मैं एक हाथ चला रहा हूँ और किकिंग कर रहा हूँ सांस में, ठीक है, और आपको पूरा दिखा रहा हूँ कैसे आपने करना है अगर आप सांस ले रहे हो। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, सेम मुझे फॉलो करना है, क्या करना है, यहाँ से सांस छोड़ना है, मुंह से लेना है, ओ ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। फ्रेंड्स बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है सेम टू सेम, आपने मेरी वीडियो में सारा कुछ, आई होप कि आपको ब्रीथिंग करनी है इस वीडियो देख के कन्फर्मली आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने जो शूट लिया था ये मेरे S9 Plus से है, जो कि बाहर ट्राईपॉड पे रखा हुआ है, और दूसरे कैमरे की शूट आपने देख ली है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड में मैं लगा दूँगा म्यूज़िक, और आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे शूट किया था, ये एरिया आप देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनको गहरे पानी से डर लगता है तो इतनी डरने की चीज़ बात नहीं है, आपको सिर्फ ब्रीथिंग करनी है। और इस वीडियो में मैंने कमेंट के रिप्लाई किए हुए हैं, आई होप कि आप हमें इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि ब्रीथिंग कैसे करनी है। और जिस चीज़ आप देख सकते हो कि आपने हाथ चलाना है और साथ में आपने बैकग्राउंड मतलब कि बैक वाले हाथ से आपने सांस लेना है, जो कि पीछे हाथ जाता है, बैक फेस करके आप सीधे सांस लेना है, ठीक है। लास्ट तक मैं आपको बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल भी दिखा दूंगा, वो मैं ऐसे मस्ती में कर रहा था, थोड़ी सी मस्ती भी की है। तो चलो अब थोड़ा म्यूजिक लगा देते हैं बैकग्राउंड में, तो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ब्रीथिंग की प्रैक्टिस की थोड़ी सी, आई होप कि आपको थोड़ा तालमेल सही बैठा होगा, आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, अगर अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा सारी बर्निंग क्या सिस्टम है, कि आपने बस क्या होता है कि बाहर हम पानी में सांस छोड़ते हैं लेते हैं। कमेंट मुझे एक और ज़्यादा आ गया कि पानी में मतलब कि ज़्यादा देर कैसे रहे, या फिर लॉन्ग ब्रीथ कैसे ले। लॉन्ग ब्रीथ लेने की जरूरत ही नहीं है, आपने फ्री स्टाइल में जितना रोक छोड़ना उतना ही छोड़ना है, जितना आप बाहर फेस में आधे सेकंड में ले सको उसे उतना ही ब्रीथ करना है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ये मेरे पहला मतलब कि कहते हैं ना कि कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि आपको कुछ नया और बढ़िया मिले और आपको सीखने में और आसानी हो। और अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसके लिए माफ़ कर देना, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और अभी आप देख सकते हो कि धूप हो रखी है, सो मॉर्निंग में मैंने हफ्ते में 2 वीडियो देने का वादा किया है, तो 2 वीडियो आपको हफ्ते में मिलेंगे, चाहे वो 2 कंटिन्यू मिल जाए, चाहे वो 2 दिन के बाद मिले, पर कंटिन्यू तो क्या मिलेगी, पर हफ्ते में आपको 2 वीडियो जरूर मिलेगी। इसी खुशी में लाइक कर देना वीडियो को, जो मेरी इतनी मेहनत लगती है उसके लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे कमेंट में बताया करो कि भैया इस वीडियो में ये कमी थी, ताकि जो आने वाली वीडियो में मैं और अच्छा
बेनिफिट दे पाऊँ आपको और अपनी वीडियो में सुधार कर पाऊँ। ठीक है, आपके जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हर एक चीज़ का कमेंट रिप्लाई करता हूँ। कईयों का मुझे कमेंट नहीं समझ में आते पर उसमें मेरे कोई रिएक्शन जरूर होता है, जैसे कि ये वाला हो गया या फिर ओके। तो आज की वीडियो इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और क्या सजेशन क्या है नेक्स्ट वीडियो को किस पे आए मुझे ये चीज़ बताते रहा करो, जिस पे कमेंट ज़्यादा आते हैं उस पे मैं वीडियो बना देता हूँ बहुत जल्दी। और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और एक चीज़ और बतानी थी कि मेरी चैनल पे काफ़ी वीडियो है, आप वो चीज़ दोबारा मांगते हो जो चीज़ मैंने ऑलरेडी डाली है, तो एक दो कमेंट में मैं नहीं डाल सकता। रीज़न क्या है कि अगर मैं एक ही चीज़ बार बार डाली जाऊँगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, सारे बोलेंगे ये सारे चैनल पे एक ही वीडियो है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा मेरे चैनल पे जाना आसान है। जब आप मेरी वीडियो वॉच करते हो इस साइड आपको चैनल का लोगो दिखता है जिसके ऊपर स्विमिंग की फ़ोटो बनी हुई है मेरी बटरफ्लाई की, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद सारी ऊपर प्लेलिस्ट आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरी सारी जितनी मैंने अब तक चैनल पर वीडियो डाली है वो सारी आ जाएंगी। तो जो मैं पिछले साल में वीडियो डाली है स्विमिंग कैसे सीखे उसके मैंने पार्ट डाले हुए हैं, 1, 2, 3 स्विमिंग कैसे सीखे पार्ट 1, 1, 2, 3 स्विमिंग कैसे सीखे पार्ट 2 ऐसे डाले हुए हैं। तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी, इसमें इस बार मैंने बकायदा नाम ही लिख दिया था वीडियो का और बस यही था। और हाँ, मेरी वीडियो के पीछे अब मैं स्विमिंग का मतलब कि एक स्टैचू सा लगाता हूँ ना, वो अब मैं वीडियो के टाइटल के पीछे स्विमिंग का स्टैचू लगाता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट रहे औरों से, ताकि आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल जाए। और बाकी आप मेरी वीडियो को प्यार तो देते ही, उसके लिए इतने ही काफ़ी है, थैंक यू। मैं आपके मतलब कि क्या बताऊँगा कि आपके मैं कितना शुक्रगुजार करता हूँ। सारी बातें एक साइड में, कुछ भी होता है मैं संडे लाइव आता हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो और कमेंट में गाली निकालनी, बाकी सब ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपको स्विमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको वीडियो देख के भी नहीं दूर हो रही है, आप छोटा सा क्लिप बना के मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दो, वो वीडियो मैं देख के उसको बता दूंगा कि आप में क्या कमी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं, बाय फ्रेंड्स। बाकी जो हमने मस्ती की है वो सारी मैं इस पे डाल दूंगा, लास्ट तक देख लेना आपको समझ में आ जाएगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। फ्रेंड्स, ये चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो स्विमिंग बाय मनी, इसका लिंक दिया है और इसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई कमी रहती है टेक्निकल लवली मनी में मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, अगर आपको कोई कमी रहती है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, थैंक यू।